हेलो बच्चों बच्चों, आज हम आपकी झिलमिल हिंदी की बुक का पार्ट 3 छोटी बातें बड़े काम की पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप अपना पेज नंबर 13 निकालिए। इस चैप्टर में बच्चों उन छोटी छोटी बातों के बारे में बताया गया है जो आपके माता पिता आपको बताते हैं। इन छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन छोटी छोटी बातों को सीखकर हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी है वो छोटी छोटी बातें। ध्यान से सुनना आप, यह करो यह मत करो, मम्मी पापा के मुंह से यह वाक्य आप कई बार सुनते होंगे, सुना है ना। यह सुनकर आपको कभी कभी बुरा भी लगता होगा, किंतु दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें कई बार बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिनका पालन करना समाज व राष्ट्र हित के लिए अनिवार्य है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती है ना। आपको भी लगता होगा कई बार, जैसे मम्मी पापा किसी काम के लिए कह देते हैं कि ये नहीं करना है, ये मत करो, तो आपको बुरा लगता होगा कि पता नहीं हमें क्यों कह रहे हैं। लेकिन बच्चों, उनमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तुम अपनी कक्षा में बैठे हो, अध्यापक महोदय के आने पर तुम अब उठकर खड़े हो जाते हो और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हो। इस प्रकार तुम शिष्टाचार का पालन करते हो। शिष्टाचार वो क्या होता है बच्चों? अच्छा आचरण। ठीक है, अच्छा आचरण क्या? शिष्टाचार का मतलब किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, तो ये आपको पता है, जब भी कक्षा में आप बैठे रहते हैं, आपके अध्यापक आते हैं, तो आप उठकर उनका अभिवादन करते हो ना। हाँ, तो ये होता है शिष्टाचार। तरुण बस में बैठकर यात्रा कर रहा है, एक वृद्ध उसी बस में चढ़ा। वृद्ध मतलब बुजुर्ग, जो बड़ी उम्र के होते हैं। ठीक है, बस में बैठने का कोई स्थान खाली न देखकर वृद्ध एक और खड़ा हो गया। ठीक है, क्या वो खड़े हो गए? यह देखकर तरुण ने अपना स्थान उस वृद्ध के लिए खाली छोड़ दिया, यानी उसके लिए छोड़ दिया। यानी निश्चय ही तरुण ने अपने अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाया है। क्या मतलब? कि देखो, जैसे कोई भी बुजुर्ग आता है, देखो बच्चों, हम तो हमारी उम्र होती है कम, हमारी कम उम्र है तो हम खड़ा हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग ज़्यादा दूर तक खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकते। तो तरुण ने क्या किया, उन वृद्ध के लिए अपना क्या छोड़ दिया, अपनी सीट छोड़ दी ताकि वो बैठ सके। ठीक है, तो ये उसने क्या क्या निभाया, अपना कर्तव्य निभाया, किसका, एक अच्छे नागरिक होने का। इस प्रकार के व्यवहार अथवा आचरण को शिष्टाचार कहा जाता है। तो शिष्टाचार क्या होता है? जब भी हम अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हैं, ठीक है, तो उसको हम शिष्टाचार कहते हैं। राष्ट्र और समाज को अपने आपसे ऐसे ही अच्छे आचरण की अपेक्षा है, यानी कि हमारा जो राष्ट्र है या समाज है, वो हमारे इसी तरह की आचरण की उनको हमसे उम्मीद है। ठीक है, अपेक्षा का मतलब उम्मीद है। बिजली का दुरुपयोग करना या बिजली की चोरी करना सही आचरण नहीं है, नहीं है ना। बिजली की चोरी नहीं करनी चाहिए और ना ही उसका दुरुपयोग यानी गलत प्रयोग करना चाहिए। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके बिजली के बिल को बढ़ाती ही है, साथ ही प्रदेश में बिजली का संकट पैदा भी करती है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि 100 घरों में एक एक बल्ब भी व्यर्थ जलता रहे तो 100 बल्बों की बिजली लापरवाही के कारण बेकार चली जाएगी। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? जब जितना ज़रूरत हो हमें उतने ही बिजली यूज करनी चाहिए, बिना बेवजह हमें बल्ब अपना नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, उसको बंद कर देना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी बच सके, बिजली बच सके। जब कमरे में कोई न बैठा हो तो पंखे बत्तियां बंद कर दी जानी चाहिए। क्या कर देना चाहिए? पंखे और बत्तियां बंद कर देनी चाहिए। क्या होगा इससे? इससे बिजली बचेगी। ठीक है, पंखा चल रहा है और लाइट जल रही है, ठीक है, और कमरे में कोई नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, ये बिजली की बर्बादी हो रही है। ठीक है, तो इसको हमें बंद कर देना चाहिए, ज़रूरत हो तभी इसको यूज़ करना चाहिए, इसे जलाना चाहिए। ठीक है,
सुमन ने हाथ धोए और नल खुला छोड़ दिया। रमेश ने बर्तन साफ करके रसोई का नल खुला छोड़ दिया। पानी बह रहा है, किसी को नल बंद करने की चिंता ही नहीं है। इसे आचरण नहीं कहा जा सकता, इसे अच्छा आचरण नहीं कहा जा सकता। सबको यह आदत डाल लेनी चाहिए कि जब पानी की ज़रूरत ना हो तब नल अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे खुला छोड़ देंगे तो पानी की बर्बादी होगी, है ना। पानी की बर्बादी होगी तो क्या होगा, पानी का संकट पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी यूज किया पानी, जितना यूज किया, नल को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। नल टपकता भी नहीं रहना चाहिए, इससे पानी की वेस्टेज होती है, बर्बादी होती है। वह देखो, कुछ बच्चों ने आधी छुट्टी में खाना खाया और छिलके तथा कागज़ कूड़ेदान में न डालकर डेस्क के नीचे डाल दिए। ऐसा करना ठीक नहीं है। कूड़ेदान का प्रयोग करने में अधिक समय नहीं लगता, तो वो कहाँ डालने चाहिए थे, कूड़ेदान में डालने चाहिए थे। तो ये भी तो आचरण अच्छा नहीं है, है ना। तो जब भी हम कोई भी वेस्ट होता है उसको हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। आवश्यकता न होने पर बत्तियाँ और नल बंद करना, कूड़े को सही स्थान पर डालना आदि ऐसी आदतें हैं जिन पर ध्यान देने से आप अपने साथ साथ समाज का भी भला कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे संस्कार बचपन में ही पड़ जाते हैं और बड़े होने पर उनकी आदत बनी रहती है, इसलिए बचपन से ही अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। समय का पालन करना चाहिए, बस पर चढ़ते समय धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। आप इनको ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपके आंसर इन्हीं में से पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या करना चाहिए, समय का पालन करना चाहिए, बस पर चढ़ते समय धक्का मुक्की नहीं करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सभ्य भाषा का प्रयोग करना और स्वच्छता का ध्यान रखना आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अपना लेने से विद्यार्थी सभ्य नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिखाई दे रहा आपको, ये है कूड़ादान। तो जब भी हम कुछ खाते हैं उनके रैपर होते हैं या जो भी वेस्ट होता है उसे हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कई चीज़ें बताई हैं आपको, अच्छी अच्छी बातें। क्या बताया गया चैप्टर में, चैप्टर में हमें शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। शिष्टाचार क्या होता है, अच्छा आचरण, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, बिजली चोरी नहीं करनी चाहिए और जब भी हमें ज़रूरत हो तभी लाइट जलानी चाहिए, तभी पंखे चलाने चाहिए, ठीक है, ताकि हम बिजली बचा सकें। जब भी हम पानी यानी टैप में, नल में कुछ काम कर रहे हैं तभी नल चलाना चाहिए, अदरवाइज उसको कस कर बंद कर देना चाहिए, टपकना नहीं चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम पानी बचा सकते हैं, ठीक है। और छिलके कूड़ेदान में डालने चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, ठीक है। समय का पालन करना चाहिए, बस पर चढ़ते समय धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और स्वच्छता का ध्यान आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप अगर अपना लेंगे तो सभ्य नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और इसमें जो मुश्किल वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं, उनको कॉपी में लिखिए, ठीक है। बताया है मैंने कैसे लिखना है, कॉपी में एक शब्द लिखेंगे, यहाँ पे अगला उसी शब्द को यहाँ पे दो दो बार, ठीक है।